बच गया कोई गल नहीं, पर तुसीं किसान दा साथ दिओ, किसानां दे नाल खड़ो। हम आउंगे, तुसीं मेरे ओहदे जाओ ना, किसानां दे विच जाओ, नाल खड़ो। किसान एकता जिंदाबाद है, किसान एकता जिंदाबाद। आप बीजेपी के जोरदार नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। बीजेपी पार्टी ने हनुमानगढ़ में दान मंडी के अंदर आज सभा रखी हुई थी, लेकिन किसानों के द्वारा टोल नाकों पर बीजेपी नेताओं को सभा में जाने से रोका। वहां पर काले झंडे दिखाए और वहां पर गर्मा गर्मी हुई है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, पुलिस के द्वारा बीच बचाव कर नेताओं को वहाँ से निकाला और वाहनों को वहाँ से निकालना पड़ा, पर मशक्कत करनी पड़ी। इसलिए किसान नेताओं के द्वारा आज बीजेपी नेताओं का विरोध जारी रखा। टोल नाकों पर आज जो है तकरार की स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के द्वारा भी किसानों के द्वारा जो है कार्य करने पर आज एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं वहां की तस्वीरें। कार्रवाई जब तक नहीं करती वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नारे लगाए हैं और एसपी हनुमानगढ़ से पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला है और उन्होंने कहा है कि किसानों के द्वारा हमें टोल नाकों पर रोका गया, सभा में आने से रोका गया, यह अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एसपी से कहा कि आइंदा इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आइए आपको सुनाते हैं एसपी के साथ नेताओं की क्या बातचीत हुई है। दूसरा सारे डेलीगेशन का है कि भाई ये तो कल को हमारे रास्ते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन वो करें, हमें कहां दिक्कत है, हमने झंडे काले दिखाए, पीले दिखाए, तो लेकिन ये हर जगह रोज टोल नाके पर अब ये जिम्मेवारी आपकी होगी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। अगर कार्यकर्ता के साथ वहां बोलो, देखिए सर ऐसा ही जनता के प्रति होना चाहिए, वो नहीं रहा। पुलिस के सामने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर लठ मार रहे थे, डबली नाका पर तो आपके पुलिस प्रशासन ने हटाई कर दी कि उन्होंने खुद वापिस कार्यकर्ताओं को बुलाया, आपका डीएसपी वहां मौजूद था, ये तो कतई उचित नहीं है। डबली के पावर की प्रेजेंस की उस प्रेजेंस में दूसरे लोग बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल एसपी हनुमानगढ़ से मिलने के बाद कलेक्टर हनुमानगढ़ के जहां भी पहुंचा और उन्होंने जहां एक और किसानों के द्वारा जो टोल नाकों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया है उसका विरोध दर्ज कराया और कलेक्टर को भी इस वस्तु स्थिति से अवगत कराया और ज्ञापन भी सौंपा है। और बीजेपी नेताओं के द्वारा कहा गया है कि जिले के अंदर इस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपनी सभा करने के लिए और अपने कार्य से जाने के लिए रोकना बिल्कुल ही गलत है और प्रशासन को इसके लिए आइंदा के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि बीजेपी नेताओं को इस प्रकार किसान नेताओं के द्वारा नहीं रोका जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि कलेक्टर हनुमानगढ़ ने एक आदेश जारी कर जिले भर में बिना सक्षम अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है और किसी को भी बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन नहीं करने होंगे। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों, हाट, बाजारों की अनुमति नहीं होगी। लिहाजा धारा 144 के अंतर्गत जय प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर हनुमानगढ़ ने यह आदेश जारी किया है और यह इस आदेश के अंदर अंकित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अब बिना प्रशासन की अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।